हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज़ आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर इम्पॉर्टेंट लेक्चर है वंस अगेन ऑडिटिंग का एंड uh, काफ़ी ध्यान से इसको समझेंगे एग्जाम बहुत पास है तो कोशिश करें कि पॉइंट्स को जितना हो सके साथ के साथ याद करें एंड पी डी एफ फाइल्स के लिए यूट्यूब में लिंक है एम सी क्यू कॉम्बो कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है एक्सप्लोर कर सकते हैं फिफ्टी परसेंट ऑफ़ के लिए कोड यूज़ करेंगे यू पी एस सी ई पी एफ ओ नाओ द टॉपिक्स दैट हैव टू बी डिस्कस्ड टुडे इन दिस लेक्चर आर सबसे पहले तो uh, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कंपनीज एक्ट के अंदर लिखी गई हैं कि ऑडिटर जो है वो नहीं प्रोवाइड करेगा एक कंपनी को जिसके अकाउंट वो ऑडिट कर रहा है उस कंपनी को ये सर्विसेज ऑडिटर नहीं रेंडर करेगा बेसिकली ये इसीलिए रखा जाता है ताकि जो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस है उसको मेंटेन किया जा सके उसके बाद ऑडिटर के पास क्या राइट्स हैं क्या अधिकार हैं और क्या ड्यूटीज हैं ऑडिटर की एज पर द कंपनीज एक्ट तो जो सर्विसेज ऑडिटर को नहीं रेंडर करनी है बेसिकली इसका जो सारा प्रोविजन है वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 144 के अंदर है ये सेक्शन क्या बोलता है कि जो भी ऑडिटर है ना जिसको अपॉइंट किया गया है इस एक्ट के अंदर वो सिर्फ वो सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड करेगा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव की है या उस कंपनी की ऑडिट कमेटी ने अप्रूव की है बट सर्टन ऐसी सर्विसेज हैं जो वो प्रोवाइड ही नहीं करेगा चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोले चाहे ऑडिट कमेटी बोले कोई भी बोले ये ऐसी सर्विसेज हैं जो कंपनी को ऑडिटर प्रोवाइड ही नहीं करेगा चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो ठीक है अब कंपनी से जब हम बोल रहे हैं ना कंपनी को सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेगा तो उसमें उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी सब कुछ आ गया समझ रहे हो सिर्फ उस मेन कंपनी की हम बात नहीं कर रहे भी उसके अंदर इंक्लूड हो गई अगेन इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है तो क्या क्या सर्विसेज हैं वो सबसे पहले तो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज अब देखो ऑडिटर का, का काम होता है अकाउंट्स को ऑडिट करना अकाउंट्स को चेक करना कि उनमें कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है अगर बुक ऑफ अकाउंट्स भी वही प्रिपेयर कर रहा है फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ठीक है इंटरनल ऑडिट करना जो है वो ऑडिटर का काम नहीं है इंटरनल ऑडिट जो है वो कंपनी अपने स्टाफ से करवाती है अपने इंप्लॉयज हायर करती है तो वो ऑडिटर का काम नहीं है जो अंडर कंपनीज एक्ट जो ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है उसका काम नहीं है इंटरनल ऑडिट करना ठीक है उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिज़ाइन या इंप्लीमेंटेशन में ऑडिटर का किसी तरीके का रोल नहीं होना चाहिए हाँ वो ऑडिट के अंदर सजेशंस दे सकता है लेकिन पूरे तरीके से डिजाइन करना या इंप्लीमेंट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी का वो काम ऑडिटर नहीं करेगा एक्चुअरियल सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज की भाई इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड करने लग जाए कंपनी को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट सर्विसेज

कंपनी uh, की बुक्स हैं अकाउंट बुक्स हैं जो भी उसके अकाउंट्स हैं जो भी वाउचर्स uh, हैं उनका एक्सेस उसको मिलना चाहिए ठीक है आप uh, अगर as, as, एक पर्सन को एज अ ऑडिटर हायर कर रहे हो शेयर होल्डर्स ने जनरल मीटिंग में उसका अप्रूवल दिया है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि हम ये तेरे को बुक्स नहीं देंगे या तेरे को अकाउंट्स नहीं देंगे या तेरे को वाउचर्स नहीं शो करेंगे ठीक है चाहे वो आपकी बुक्स अकाउंट्स वाउचर्स आपके कहीं हेड ऑफिस में रखे हैं चाहे कहीं से भी रखे हैं अगर ऑडिटर डिमांड करता है तो आपको उसको मंगवा करके वो देनी पड़ेंगी ठीक है उसके बाद जो भी ऑडिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या एक्सप्लेनेशन है जो ऑडिटर को लगता है नेसेसरी है उसकी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए वो ऑडिटर को अगर चाहिए तो वो कंपनी के ऑफिसर्स को बोलेगा कि मुझे ये इंफॉर्मेशन और ये एक्सप्लेनेशन चाहिए ठीक है और उनको वो देनी पड़ेगी अब जब कंपनी रजिस्टर होती है ना एक होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है एक तरीके से उस कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो मेशन डिनाई तो भी कर सकती है ये अगर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वैसे ही आपका इनवैलिड हो जाएगा ठीक है आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये पॉइंट नहीं लिख सकते जी कि हम एक पर्टिकुलर पर्सन को ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं देंगे राइट right. और अगर ऑडिटर को इंफॉर्मेशन नहीं सप्लाई हुई तो वो अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में ये मेंशन कर सकता है सारे मेंबर्स को बता देगा कि मेरे को इन्फॉर्मेशन डिनाई की गई थी फिर शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी की खाट खड़ी करेंगे ओके नेक्स्ट आ जाता है आपका राइट टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिट कर रहा है जो ऑडिटर है कंपनी का या फिर फर्म के केस में जो uh, भी सी uh, ए है उस फर्म के अंदर जो पार्टनर है उस फर्म का सिर्फ वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकता है ऐसा नहीं है कि कंपनी का कोई इंप्लॉई खड़ा होकर के ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर दे सिर्फ ऑडिटर का ही सिग्नेचर वहां पर लगेगा उसके बाद जी ऑडिटर के पास पूरा अधिकार है कि वो कंपनी की जो जनरल मीटिंग है उसको अटेंड करे तो जनरल मीटिंग का प्रॉपर नोटिस उसको मिलना चाहिए ऐसा नहीं है कि कंपनी की मैनेजिंग टीम बताई ना उसको बेचारे को डेट और टाइम की कहाँ पर मीटिंग होनी है तो प्रॉपर उसको कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग का कॉम्युनिकेशन uh, होना चाहिए प्रॉपर नोटिस मिलने चाहिए मीटिंग अटेंड करने का पूरा अधिकार है और जनरल मीटिंग के अंदर वो अपनी बात भी रख सकता है सो इट ही हैज द राइट टू बी हर्ड ठीक है तो अगर वो कोई बात बोल रहा है तो उसका अधिकार है उस बात को अपने सामने रखना उसके बाद जी अब एक पर्टिकुलर कंपनी की ब्रांच ऑफिस भी हो सकती है ठीक है तो वो ब्रांच ऑफिस की बुक्स को भी एक्सेस कर सकता है कई बार क्या होता है ना ब्रांच ऑफिस के लिए कंपनी अलग अलग ऑडिटर्स को हायर कर लेती है कि यहां एक पर्टिकुलर ब्रांच के के अकाउंट्स को ऑडिट करने लिए उन्होंने किसी दूसरे ऑडिटर को हायर कर लिया तो जो कंपनी का मेन ऑडिटर है ना उसके पास पूरा अधिकार है कि वो उस कंपनी के ऑडिटर की जो वो ब्रांच का ऑडिटर है उसकी रिपोर्ट को भी एक्सेस करे और जो बुक ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी उस ब्रांच के अंदर ऑडिट हो चुके हैं वो उनको भी मंगवा सकता है ठीक है वो उस ब्रांच ऑफिस में विजिट भी कर सकता है ठीक है वो भी एक तरीके से जो है सुपीरियर है एज कंपेयर टू द ऑडिटर ऑफ द ब्रांच ठीक है तो उसके पास पूरे इस तरह के अधिकार हैं राइट टू रिसीव रेमुनरेशन तो ऑडिटर के पास रेमुनरेशन का पूरा अधिकार है जो भी वो अकाउंट बुक्स ऑडिट कर रहा है उसके लिए उसको जो उसका ड्यू रेमुनरेशन है वो मिलना चाहिए फिर आ जाते हैं आपके ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर तो ड्यूटीज क्या हैं तो जब भी वो अकाउंट ऑडिट कर रहा है तो उसको ये देखना है कि जो भी कंपनी ने ब्याज पर पैसा दिया है लोन या एडवांस दिया है ठीक है और जाहिर सी बात है अगर कंपनी लोन या एडवांस दे रही है वो किसी सिक्योरिटी के बेस पे दे रही होगी तभी अपना लोन को सिक्योर रख पाएगी तो वो ये देखेगा कि भैया ये जो लोन दिया गया है इसके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी रखी गई है या नहीं रखी गई है ठीक है और वो ये भी देखेगा कि जो ये लोन दिया गया ये किसी भी पैसा है वो क्या प्रॉपरली बुक के अंदर रिप्रेजेंटेड है और कहीं ये ट्रांजेक्शन किसी भी तरीके से कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो है। है, के है, के है, के हैं के के अगेंस्ट है। अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है या बैंकिंग कंपनी नहीं है ठीक है ज एंड अदर सिक्योरिटीज लेस देन दैट एट विच देर परचेज कि क्या जो शेयर्स या जो भी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने की थी डिबेंचर्स लिए थे सिक्योरिटीज लिए थे उनको क्या बहुत कम दामों में बेचा गया है जो जिस प्राइस में उनको खरीदा गया था उससे क्या बहुत कम दामों में बेचा गया है और बेचा गया है तो ऐसे क्या रीजन आ गए थे कि उसको बेचना पड़ा ठीक है जी उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोन और एडवांस कंपनी ने दिए हैं वो एज डिपॉजिट जो है वो शो किए जा रहे हैं ठीक है लोन्स एंड एडवांसेस शुड नॉट बी शोन एज डिपॉजिट्स क्योंकि अगेन वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा कहीं जो कंपनी के मैनेजर्स हैं वो पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू अकाउंट में यानी कि कंपनी के खर्चे में तो नहीं दिखा रहे ओके okay, उसके बाद अगर कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो कहीं शेयर्स जो इशू किए जा रहे हैं वो प्रॉपर कैश वैल्यू के ऊपर इशू किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं कहीं बिना कैश लिए बिना पैसा लिए शेयर्स अलॉट तो नहीं किए जा रहे ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि शेयर्स तो अलॉट हो रहे हैं पर कैश ही रिसीव नहीं हो रहा ओके और जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंट बुक्स में बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट की जा रही है वो सही है या नहीं है ओके मिसलीडिंग तो नहीं है ऑडिटर ये सारे पॉइंट्स को लेकर के अपनी रिपोर्ट के अंदर डालेगा और अगर उसके पास कोई स्पेशल कमेंट है तो वो उसके लिए वो मेंशन कर देगा द ऑडिटर शॉल ऑल्सो द दरस ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कि भाई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करे वो जो ऑडिटिंग uh, स्टैंडर्ड्स होते हैं सी के लिए इंडिया में वो स्टैंडर्ड्स फुलफिल होने चाहिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है टाइम टाइम टू पब्लिश करता है ओके सो वर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड छोटा सा लेक्चर बट बड़े ध्यान से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि लेक्चर के अंदर ही चीजों को लर्न कर लें ऑल राइट एंड नाउ आई विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन टेक केयर एंड बाय